नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुस्तक परिचर्चा मेरी भाव गंगा। यह काव्य संग्रह है आदरणीय सुखविंदर कौर जी का, और सुखविंदर कौर और आदरणीय आरती प्रियदर्शनी जी के साथ उनकी वार्ता हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मेरी भाव गंगा, आप अपने विचार हमारे चैनल पर जरूर बताइएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये अब सही है ना? हाँ जी, काफी देर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। आवाज सही जा रही है? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है। तो ये प्रखर रूज पब्लिकेशन की तरफ से मैं आरती प्रियदर्शनी, आज ये प्रोग्राम जो साक्षात्कार हमारे प्रखर गुण पब्लिकेशन की तरफ से होते हैं उसकी श्रृंखला में आज सुखविंदर कौर जी हैं, जो अपने काव्य संग्रह मेरी भाव गंगा लेकर के यहाँ पे हाजिर हुई हैं। तो आज हम उनके पुस्तक संग्रह मेरी भाव गंगा के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारी प्रखर गुण प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। तो सबसे पहले सुखविंदर जी, मैं आपको ये बताना पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए कि लेखन के संबंधित आपके जो भी, या इस पुस्तक से संबंधित आप जो भी परिचय अपने हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं तो वो आप दें सबसे पहले। पहले तो सभी को नमस्कार, जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं या जो भी हिंदी साहित्य के पाठक वर्ग में लोग आते हैं। और सर्वप्रथम तो मैं पहले प्रखर गुण प्रकाशन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरी किताब जो भाव मेरी भाव गंगा का प्रकाशन करने का अवसर उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मेरी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी मैंने लेट सोचा है इस चीज़ के बारे में कि मेरा अपना एक काव्य संग्रह हो। अब मैं आती हूँ आपके प्रश्न पर, आपका प्रश्न था कि अपने बारे में कुछ बताओ। देखिए मैम, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से आती हूँ। एक बहुत साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ, चार धन भाई थे हम। उसके बाद अभी तो मैं एक सरकारी कार्यालय में कार्यरत हूँ अभी, लेखा प्रेक्षक के पद पर। बताया कि आपने साइंस साइड से पढ़ाई की है, लेकिन साहित्य के प्रति आपकी काफ़ी रुचि रही है हमेशा से। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मेरी रुचि जो थी ना, वो जितनी हिंदी के प्रति थी उतनी ही मेरी मैथ के प्रति भी थी। तो मैथ मेरा बहुत अच्छा था, साइंस भी मेरा बहुत अच्छा था। तो जब मैंने 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की तो बहुत अच्छे अंकों के साथ ली थी। तो जो मेरे से कम अंक वाले थी, जो मेरे साथी थे, उन लोगों ने साइंस ली थी और मैंने आर्ट्स के लिए अपना फॉर्म फिल किया था। तो जब मैंने फॉर्म अपना जमा किया स्कूल में जाके, तो मेरी जो टीचर थी उनको लगा कि ये तो कुछ अलग ही हो रहा है कि जो बच्चा टॉपर है हमारे स्कूल का वो साइंस नहीं वो आर्ट्स लेना चाहता है। जब मैंने मेरे फादर को बुलाया, मेरे फादर साहब से उन्होंने बोला कि हम इसको साइंस देना चाहते हैं और ये आर्ट्स में जाना चाहती है, तो उनके लिए तो ये था कि आपको जो अच्छा लगता है वो दे दो इसको, अगर साइंस दोगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसकी बड़ी बहन की किताबें पढ़ेगी फिर तो इसलिए फिर क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी तो फिर उन्होंने मुझे दे दिया। बट उसके बाद फिर जब मैं अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने साइंस में ही आगे पढ़ाई की। बट फिर उसके मेरी बाकी जो भी शिक्षा थी उसके बाद मैंने MA हिंदी भी किया, ताकि मैं अपना जो हिंदी साहित्य के प्रति जो मेरा प्रेम है उसके साथ मैं आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि लिखती तो थी मैं और मैं बचपन से ही लिखती थी। तो यही चीज़ है मैम, इसलिए जो हिंदी के प्रति जो प्रेम है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, वो हमेशा बढ़ता ही रहा है। ऐसा ही होता है, जब हिंदी के प्रति एक बार ये हमारी मतलब जो भाषा है हिंदी, इसके प्रति जो प्रेम एक बार हमारे मन में हो जाता है तो फिर चाहे हम अपनी पढ़ाई, वो शिक्षा हम चाहे किसी भी क्षेत्र में करें, इसके प्रति जो लगाव है, जो लेखन के प्रति लगाव है, वो उतनी आसानी से कम नहीं होती। तो ये आपकी जो मेरी भाव गंगा, ये मतलब शीर्षक एक अलग सा है थोड़ा सा, तो आपके मन में कहाँ से आया कि हमारी कविताओं का शीर्षक यही होना चाहिए मेरी भाव गंगा? अगर कोई भी पाठक मेरी पुस्तक पढ़ेगा तो जो भूमिका है ना उसमें मैंने ये लिखा है कि कुछ भी होता है, मतलब एक हम एज अ मतलब नारी होते हुए हम बहुत सारी आवाज हमारे धीमी आ रही है, माइक थोड़ा सा पास करे तो मैं कह रही थी कि हमारे जो मतलब एक नारी होते हुए जो हमारे भाव हैं वो हमेशा हम कुछ ना कुछ नई स्थिति का सामना करते ही रहते हैं अपने जीवन में।
और कई बिल्कुल बार हम देखते हैं कि नारी के प्रति सरकार जो हमारा समाज है उसका जो रवैया है, ठीक है, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता रहता है जिस जो कि आपके हृदय को द्रवित करता है। तो हर समय कुछ ना कुछ मस्तिष्क में आता रहता है। तो फिर जब वो कुछ भाव आते हैं मस्तिष्क में, चाहे वो मेरे अपने व्यक्तिगत हो चाहे वो सामाजिक हो, तो वो सब है ना कलम कलम से बहने लगते हैं। तो इसलिए मैंने उसको, क्योंकि गंगा जो है वो पवित्रता का प्रतीक उसको हम मानते हैं, इसलिए मैंने अपनी जो इमोशंस का जो ये रिवर है उसको मैंने भाव गंगा का नाम दिया, क्योंकि ये बहुत ही एक नारी के तौर पर ये बहुत ही पवित्र मेरे को लगता है कि इमोशंस है जो हमेशा मेरी कलम से निकले हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम मेरी भाव गंगा दिया है। आपने मतलब ये जो है किताब में ज्यादातर आपने स्त्री की जो सीमाओं की बात कही है, वो जो उसकी स्वतंत्रता में बाधक है, जो स्त्री की सीमाएं हैं, जो भावनात्मक हो या पारिवारिक है, कई तरह की होती हैं, तो ये स्त्री के मतलब आगे बढ़ने में बाधक है। तो ये मतलब आप अपने किस तरह से इसको थोड़ा सा आप और विस्तार से अगर समझाएं अपनी कविताओं के माध्यम से। बाधक मैम, इसमें एक कविता है परवरिश, उसमें मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि जब हमारे घर में एक बेटा होता है और बेटी भी होती है, तो वो बचपन से ही ना उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनकी जो मतलब कि उनकी जो तरह से देखभाल की जाती है या जो उनको सिखाया जाता है, उसमें ना बहुत सारी चीजें ना डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अगर वहीं से अगर, क्योंकि समाज तो दूसरी इकाई है, सबसे पहली इकाई जो है वो परिवार है। जब परिवार से हम परवरिश ऐसे करेंगे कि हम सिर्फ ये बोले ना कि लड़का और लड़की समान है, अगर हम वो अपने व्यवहार में भी लेकर आते हैं उस चीज को, तो मुझे लगता है कि इस अंतर को हम कम कर सकते हैं। और जो एक ये एक सोच का मतलब ये एक सोच का बदलाव है, आप देखेंगे कि हम लोग नारियां जो हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं, काफी वो लोग अपने क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रही है, प्रगति कर रही है। बट अब जब आप एक नारी के तौर पे आप अपने ही जीवन में देखेंगे, तो कई बार आपको ये लगता है कि नारी के तौर पे हमें कई बार पीछे कर दिया जाता है परिवार में भी ये। और जब परिवार में ऐसा होता है तो समाज में तो हर जगह ऐसा होता ही होगा, क्योंकि जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, ऑफिस जाती हूँ, बहुत बाहर की दुनिया देखती हूँ, तो मुझे हर टाइम ये लगता है कि हम लोग कितना भी ऊपर पहुंच जाए, कितनी भी हम प्रगति कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो पुरुष समाज है उनके दिमाग में ऐसी बातें रहती हैं कि हम उनके बराबर नहीं है, हालांकि हम उनसे अच्छा भी कर रहे हो तो उनको ये भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर तो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसके लिए वो मतलब कुछ परिस्थितियों को जिम्मेदार, हम मतलब हमारी जो क्षमता है उसके लिए उसके उसको वो क्या कहते हैं कि वो ये नहीं मानेंगे कि ये हमारी क्षमता है, वो ये मान के चलेंगे कि परिस्थितियां इन्होंने ऐसी पैदा की हैं कि ये आगे कर सके। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, उससे मुझे लगता है कि ये जो जो डिफरेंस है ना, ये तभी हो सकता है, जो हम बदलाव चाहते हैं समाज में वो तभी हो सकता है जब सोच में हो। और वो सोच कहाँ से शुरू होगी, वो परिवार से ही शुरू हो सकती है, क्योंकि जब हम एक लड़का लड़की की अपब्रिंगिंग पे उस तरह का ध्यान देंगे, आप मेरी कविता परवरिश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो वहीं से शुरू होता है। तो ये आप सिर्फ समाज का नहीं है। अपनी कविता जो है एक परवरिश, वो मैंने भी पढ़ी है, काफी अच्छी लगी। अगर कुछ पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों को भी मतलब आप सुना दे उसकी, जो आपके पसंद हो तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी मैम, इसमें मैं जो मेन बात कहना चाहूंगी, जो इसमें मुख्य लाइन मुझे लगता है कि जो मुझे खुद को पसंद है वो सुनाती हूँ। लड़के रोया नहीं करते, ऐसे दुलार उन्हें पाषाण हृदय बना देते हैं। लड़कों को दर्द नहीं होता, ऐसे वाक्य उन्हें कभी कभी पशुओं से भी बदतर बना देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, जब हम लड़कों को सिखाते हैं तो हमें उनको हम उनकी भावनात्मक जो भावनात्मकता है ना उसको खत्म कर रहे होते हैं। जब ये चीज लोगों में समझ में आ जाएगी कि उनको भी अपनी जो भावनाएं हैं उतनी ही व्यक्त करने का अधिकार है जितना कि स्त्रियों को है, जितना कि लड़कियों को है, तो वहां से हम लोग लगता है, मुझे लगता है कि एक हम परिवर्तन ला सकते हैं। जब शिक्षा की विभिन्न आयामों का वर्गीकरण करना होता है, उसे भी लिंग निर्धारण का आधार बना देते हैं। सुशिक्षित बेटी को घर के कामों में भी निपुण बनाना चाहते हैं, जबकि लड़कों को आत्मनिर्भरता के पाठ में गृहस्थ कामों से दूर रखना चाहते हैं। बेटी को सिखा रहे हैं कि वह किसी से कम नहीं, किंतु उचित परवरिश के अभाव में लड़कों को उनका भय बना देते हैं। ये मेरी फेवरेट लाइन है मैम इस कविता में। ये कविता भी है और सही बात भी है कि जो
परवरिश है वो हमारी मतलब सही रहेगी तो हमारा समाज भी आगे बढ़ सकता है। मतलब समाज में जो हमारे स्त्री और पुरुष के बीच में जो एक भावनात्मक रूप से भी एक खाई बन गई है, तो उसको हमें ही दूर करना होगा। और ये परवरिश काफ़ी अच्छी कविता भी है आपकी। एक और आपकी रचना जो सबसे पहली रचना है आपकी माँ, तो आपने ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी रचनाओं में जो भी किताबें प्रकाशित करते हैं तो सबसे पहली रचना एक ईश्वर के नाम से, माँ सरस्वती के नाम से, या फिर कभी गणेश जी की वंदना के रूप में लिखते हैं, लेकिन आपकी रचना की पहली कविता माँ है, तो इसके पीछे अगर कुछ है तो आप बताइए। हाँ जी मैम, देखिए अभी तो मैं खुद भी माँ हूँ। ये जब मैंने कविता लिखी थी तब तो मेरी उम्र इतनी नहीं थी। माँ बनने के बाद माँ की जो गरिमा है ना उसको और अधिक समझा है मैंने। और मुझे लगता है कि जब आपका जो व्यक्तित्व है उसकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं या जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं आपकी माँ से जोड़ दी जाती हैं। अगर आप कुछ गलत करते हैं उसके लिए भी माँ 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 को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, और अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो माँ के संस्कार ही उसे बताए जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आप नारी की बात करते हैं तो नारी का जो व्यक्तित्व है उसको जो चरम सीमा तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो माँ को ही है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी पहली कविता जो है वो माँ माँ ही रखूंगी। आपकी ज़्यादातर कविताओं में जो नारी के ऊपर जो शोषण होता है आप उसको उजागर करती हैं अपनी कविताओं में। काफ़ी हद तक मैंने पढ़ा है, इस भावगंगा से जो किताब है इसके अंदर कई सारी कविताएं जिसमें ज़्यादातर ये एक नारी के प्रति, नारी के साथ जो भी शोषण होता है हमारे समाज में या परिवार में, जिससे नारी खुद भी अनजान रहती है कई बार। जी मैम, कई बार यह शोषण भावनात्मक स्तर पे होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ इमोशनल पुल बनाया जाता है। तो इस चीज के बारे में आपने अपनी कविताओं में काफी लिखा है, तो इस बारे में अगर कुछ आपके क्या विचार हैं, मतलब ऐसा कुछ कह सकती हैं? मैम विचार एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे जब हम लड़कियां जो होती है ना वो बचपन से ही धीरे धीरे समझदार हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने आसपास ग्रुप को आप काफी कुछ देखती हैं और वो धीरे धीरे हमें समझ भी आने लगता है। हमें जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारे परिवार में सब अच्छे हैं, हमारे आसपास भी सब कुछ अच्छा है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप युवावस्था में प्रवेश करते हैं ना आप समझते हैं कि एक्चुअली में जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके आसपास बहुत कुछ हो रहा होता है, घटित हो रहा होता है, और बचपन में आप कभी उसको महसूस नहीं कर पाते। तो काफ़ी सारी जो कविताएं हैं वो मैंने तब लिखी थी जब मैं स्कूल में ही पढ़ती थी और देखती थी अपने आसपास की कैसा माहौल है। तो उस वक्त मैं जैसे अब हम जिस एज में हम हैं तब हम अपनी बात जो थी ना मन की बात है वो अपनी माँ से भी नहीं कह सकते थे। तो जो हम सोचते थे ना मेरे को लगता है कि वो मैं हमेशा ना उसको मैं कविता के तौर पर लिख के अपने पास रख लेती थी। तो आजकल तो काफ़ी खुलापन है तो हम बात कर सकते हैं इस बारे में, बट पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। और फिर अब क्या है कि दिन ब दिन समाज में और भी मतलब बदतर होता जा रहा है, कहीं आप स्थितियां देखेंगे तो बहुत बदतर होती जा रही हैं। हालांकि नारी जो है वो प्रगति के पथ पर तो है मगर फिर भी उसके प्रति जो अपराध है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वो सब चीजें जो है ना वो अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको वो परेशान कर देती है, आपके अंदर तक आपको झकझोर देती है। तो फिर अब जब अब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे लगता है कि जो कलम है ना वो मेरी सबसे अच्छी साथी है, क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं उसके थ्रू ही कागज पर उतार लेती हूँ। तो इसलिए घटनाएं होती लेखक रहती है और का मैं भी लिखती होता है, रहती अपनी हूँ। भावनाओं को, अपनी भावनाओं को ही कलमबद्ध करके हम उसे कागज पर उतारते हैं, हाँ और जी कहीं ना कहीं उसमें काफी सारे मतलब अगर हम किसी स्त्री के बारे में लिख रहे हैं तो बहुत सारे स्त्रियां उसका उन कविताओं से रिलेट कर सकती है। और जो आपकी जो कविताएं हैं इसमें कुछ कविता जो है एक सीता शोषित और वो घर पराया, ये जी तीन ऐसी कविताएं हैं जिससे मुझे तो लगता है कि हर नारी जो है वो इससे जरूर रिलेट करेगी खुद को, क्योंकि जी आपने तीनों कविताओं में मतलब औरत के जो भावनात्मक जो उनकी भावनाएं हैं या जो वो परिवार में देख रही हैं, समाज में जो देख रही हैं, तो ये सब चीजें जो उनके ऊपर बीत रही है वो आपने इस कविता में बखूबी मतलब लिखा है। काफी अच्छी कविता है ये सब। धन्यवाद मैम। तो आप मतलब इस एक कविता के बारे में अगर कुछ दर्शकों को बता सकती हैं तो हाँ जी बताइए। मैम, हर्ष मैं जो सीता ये के पास, वो हाँ घर पर आया, जी वो वो घर घर पर पर आया। आया। हाँ जी मैम, देखिए जब हम छोटे थे तब से
पता तो हमें होता है कि हमें शादी करके जाना ही है दूसरे घर में, फिर भी क्या होता है कि हम ससुराल में तो आ जाते हैं अपने, फिर भी माँ के घर पे अपना पूरा अधिकार हमारा रहता ही है। जब भी हम माँ के घर जाते हैं हम जैसे बचपन से रहे हैं वैसे ही रहते हैं, और क्योंकि हम हमारी माँ के घर की हर एक चीज हमें याद दिलाती है हमारे बचपन की, हम उससे बहुत ही अच्छी बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। फिर भी मन में हमें हमेशा बचपन से यही सिखाया जाता है कि ये घर पराया है तुम्हें दूसरे घर जाना है, और वो घर वास्तव में जो पराया होता है वो पराया कब होता है, जब आपकी भाभी आ जाती है तब आपको वास्तव में लगेगा कि हर चीज पे अब हमारा अधिकार नहीं है उसका अधिकार है, क्योंकि अब ये उसका घर बन गया, जैसे हमारा ससुराल हमारा घर बन जाता है। तो ये जो चीज थी ये मतलब कि ये मेरे दिमाग में तब आया जब मतलब कि जब मेरे भी भाई की शादी हुई तब मैंने ये कविता लिखी थी। हालांकि मेरी भाभी बहुत अच्छी है बट फिर भी लगता है कि हाँ ये चीज हर औरत फील करती है कि वास्तव में जब उस घर में उस घर की बहू आ जाती है ना तो फिर वो हमारे लिए कहीं ना कहीं पराया हो ही जाता है, क्योंकि माँ बाप की आप चीजों को हम अधिकार से जो छूते हैं। खासकर जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं इस कविता की, तो वो आप, मैं चाहूंगी कि कुछ पंक्तियां जो शुरुआत की हैं वो आप एक बार पढ़ के सुना हाँ दीजिए। जी। पैदा हुए जिस घर में हम पले बड़े वो घर तब भी पराया ही कहलाया, जहाँ हमारे सारे नाज और नखरे पूरे हुए, जिस घर की दीवारों की सजावट मेरे नन्हे नन्हे हाथों की लिखावट थी, जिस घर में गूंजने वाली मेरी हंसी उस दरो दीवार की खिलखिलाहट थी, वो घर तब भी पराया ही रहा ना अधूरी, जहाँ मेरी कोई ख्वाहिश थी। जी, तो हाँ सही बात है कि हर लड़की के लिए होता है, जिस घर में बचपन गुजरता है वो घर एक दिन पराया हो जाता है। तो ये मतलब एक बहुत ही ये समाज की क्या कहें कि एक करुण कहानी है जो हर किसी को देखना है, हर किसी को इस कहानी का हिस्सा बनना ही पड़ता है, हर महिला को। तो ये कविता है। और एक चीज़ आपसे थोड़ा सा ये देखना है कि जैसे आज भी आज जो साहित्य लिखी जा रही है, काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है नारी के ऊपर, तो आपको मतलब इसमें से किस तरह के साहित्य पसंद है? खासकर आप तो ज़्यादातर कविताएं लिखती हैं, तो कविताओं के बारे में बताइए कि किस तरह की कविताएं आपको पसंद है, मतलब नारी से भी इतर या नारी के मतलब ऊपर आपको किस तरह की कविताएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो आप प्रेफर कर सकती हैं हमारे दर्शकों को कि हाँ वो भी पढ़ें इस तरह की? हाँ जी मैम, बचपन से तो हम बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हैं, बट अभी जो मैंने रश्मि रथी मैंने कुछ समय पहले ही पढ़ी थी, और क्योंकि वो दिनकर जी की लिखी हुई है तो उसमें मुझे लगता है कि वो जो भाव है, क्योंकि जब हम माँ आजकल की जो मैं इसलिए उसको रेफर कर रही हूँ ज्यादा, जैसे आजकल मैं कई लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, हमसे कम कम उम्र के भी, हमसे ज्यादा उम्र के भी, हमारे एज ग्रुप के भी, तो मैं ये देखती हूँ कि जो आजकल की जो जनरेशन है उनको जो हमारे महान ग्रंथ है जैसे रामायण है महाभारत है उनके बारे में उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो रश्मि रथी जो है ना वो जहाँ महाभारत के बारे में भी आपको बताएगी और बहुत अच्छे तरीके से, वो आज के समाज का भी एक दर्पण है जिसमें आपको आज के समाज की भी झलक मिलती है, तो मुझे तो वो एक ओज से भरी हुई है, तो मुझे ऐसी कविताएं पढ़ना भी पसंद है। हालांकि मेरा लिखने का बहुत अलग है बट पढ़ना मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, बट क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले वही पढ़ी थी रश्मि रथी तो इसलिए मैं उसी का उदाहरण ले रही हूँ। इसके अलावा बचपन में जो हमने कविताएं पढ़ी हैं, और तो मैं ये चाहूंगी कि जो आज के बच्चे हैं उनको ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए जिससे उनको जो हमारा जिस क्या कहते हैं जो माइथोलॉजी जिस पे हमारा ये पूरा समाज टिका हुआ है उसके बारे में भी उनको ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो आज के समाज को उसके आधार पर उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके आधार पर अपने समाज को आगे लेके जा सके। जी हाँ, ये सही बात है। हमारे मतलब आजकल की हमारी युवा पीढ़ी को भी इस तरह की पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। रश्मि रथी एक बहुत ही महान ग्रंथ इसको माना जाता है। तो इसके अलावा भी जो भी हमारे जो हमारा जो ये उन्नत एक संस्कृति रहा है, प्राचीन संस्कृति जो हमारा रहा है, उसके बारे में जानकारी हमें हर व्यक्ति को होना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए, उस पर चर्चा भी होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। जो हमारे हम अपने से छोटों को हाँ जी
हमें बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमें ये नहीं है कि हमें दूसरों की संस्कृति की आवश्यकता, जैसे आजकल है पश्चिमी संस्कृति का काफ़ी सारा सब लोग उसी का अनुकरण कर रहे हैं। तो हमें लोगों को बताना चाहिए अपने ही परिवार के सदस्यों को, जो हमारी नई पीढ़ी है, कि इस तरह से अंधानुकरण करना वो नहीं है, सही नहीं है। हमारे हमारी भी संस्कृति इतनी उन्नत है कि हम हाँ अपनी जी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, और मतलब हमें अपनी संस्कृति पे गर्व करने लायक हमारी संस्कृति है, ना कि सर्व करने लायक कि हम दूसरे संस्कृति को अपनाएं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ये आपने बहुत सही कहा। एक आपकी कविता है चेतना, उसमें हाँ जी एक हाँ कुछ पंक्ति है, क्यों लगता है तुम्हें मैं तन्हाइयों में परछाइयों से डरा करूं, क्यों लगता है तुम्हें मैं अपने कदमों को बढ़ने से रोका करूं, मुझमें जो ना झुकने का जज्बा है, मुझमें जो ना झुकने का कदम जज्बा है उसे मैं टूटने नहीं दूंगी। तुम अगर मुझ पर शासन करना चाहते हो मैं उसकी स्वीकृति ना दूंगी। तो ये कविता से मतलब क्या आप कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि तो ये एक काफी विद्रोही पंक्ति है। तो जी हमारी महिला दर्शक जो भी हैं वो इस जरूर मतलब इसको पसंद करेंगी, इन पंक्तियों को। तो आप एक बार अपने शब्दों में अगर कुछ इस पंक्ति की व्याख्या कर दें तो अच्छा रहेगा। ये मैं इसलिए लिखी थी मैंने कि अब जैसे आजकल कई उदाहरण लेती हूँ कि जब हम लोग तरक्की तो हम कर रहे हैं मगर हमें पीछे खींचने के भी बहुत सारे काम साथ में हो रहे हैं, समाज में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं स्वतंत्र हो गई हूँ और मैं अब निर्भीक होकर मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि वो आपको एक मतलब एक क्षण तो आपको ना वो ठिठकने पे मजबूर कर देती है कि आप ठिठक जाते हैं, रुकते हैं अपने पद से कि आगे मुझे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, डर जाते हैं हम लोग। तो उसी के लिए कि कितनी भी बाधाएं आ जाएं, मगर जो मैंने अगर मैंने ये सोच लिया है कि मेरे को रुकना नहीं है, जो मेरे अंदर जज्बा है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं आगे बढ़ती रहूंगी। ऐसी घटनाएं भी होती रहेंगी मगर ये घटनाएं जो हैं वो बाकी लोगों को डराने के लिए नहीं, उनको और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करेंगी कि हमें उसे, जैसे अब मैं एक उदाहरण दूंगी, मेरी दो बेटियां हैं। अब जैसे अगर मुझे आज कहा जाए मतलब कि आजकल सेल्फ डिफेंस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो मैं जी चाहती हूँ कि बिल्कुल अब हम तो आगे बढ़ रहे थे, कई रुकावटों के बाद हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें मुझे लगता है कि सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें भी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरी बेटियां तो छोटी हैं, मैं उनको अभी से उस चीज के लिए ट्रेन कर रही हूँ, हर रोज मैं उनको बताती भी हूँ और उनको जो भी उसके लिए क्लासेस हैं वो भी उनको दिलवा रही हूँ। तो ये सब चीजें हैं कि जो मेरे अंदर जज्बा है ना, अगर कोशिश कर रहे हो कि मैं रुक जाऊं या मैं ठिठक जाऊं, तो वो सब चीजें जो है अब मुझे उसको पीछे धकेल के आगे बढ़ना है। ये सब घटनाएं भी होती रहेंगी समाज में क्योंकि लोग जागरूक नहीं हुए हैं अभी पूरी तरह से। जो शारीरिक मजबूती है वो हाँ भी जरूरी है जी, और मानसिक रूप से भी मानसिक मजबूत भी होना चाहिए, तभी हमारा हम मतलब अपनी नई पीढ़ी को भी ये शिक्षा दे सकेंगे आगे बढ़ने की। मैं मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से मजबूत बनना पड़ेगा स्त्रियों को। और इसके लिए ना आपके अंतःकरण से ही एक मोटिवेशन आपको आना चाहिए। मोटिवेशन जी आप कभी बिल्कुल भी किसी भी दूसरे के कहने से नहीं आता है, वो जब तक आपके अंदर से पैदा ना हो। तो वही चीज हाँ है, जब आप ये आपके अंदर रहेगा ना ये जज्बा, तो आप निर्भीक होके आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आजकल क्या है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि केवल लिखने से क्या होगा, लिखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक लेखक होने के नाते आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि क्या लिखने से कुछ होता है, स्त्रियों के अंदर कुछ बदलाव आते हैं, साहित्य से बदलाव आता है समाज मैम में? देखिए, साहित्य का प्रभाव तो पड़ता ही है ना। अब लिखने से क्या होता है, हम सोच रहे हैं, हमारी भावनाएं जब दूसरों तक पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे अब मैं अपने स्वतंत्रता संग्राम का ही अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो उस वक्त भी क्या हुआ था, कई लोग लिखते थे, जैसे प्रेमचंद हैं, उनकी जो रचनाएं थी वो लोगों को प्रेरित करती थी। तो ये तो आज के अगर वो चीजें तब कारगर थी तो वो आज के कालखंड में भी कारगर है। हम जो सोचते हैं, हम जो लिखते हैं, अगर वो हमें मोटिवेट करता है तो वो किसी और को भी मोटिवेट कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है कि मेरी किसी लाइन से कोई, अगर किसी के मन में कोई दबी हुई जो जो डर है वो दूर हो जाए और वो उसको छोड़ के वो आगे बढ़ने की कोशिश करे।
देखिए मैम, जागरूकता जो होती है साहित्य का सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं, सबसे अच्छी चीज जो है साहित्य की, वो यही है कि आप जब लिखते हैं तो आपके लिखने की वो आपको जो प्रेरणा मिली है वो ही प्रेरणा वो किसी और को भी दे सकता है। तो साहित्य की जो महत्ता है वो कभी भी कम नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, साहित्य की महत्ता कभी कम नहीं हो सकती है। साहित्य जो है वो हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। साहित्य ये कहने की बात है, वो काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे क्या ये शब्द वही कह सकता है जिसे साहित्य के बारे में जिसे जानकारी नहीं है। रुचि, मैंने कहूँगी कि रुचि तो सबको होती है, साहित्य किसी न किसी रूप में सभी अपनाते हैं साहित्य को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान उन चीज़ों को समझ नहीं पाता अच्छे से, तो फिर वही लोग कहते हैं कि साहित्य से बदलाव नहीं आता। लेकिन साहित्य से काफ़ी हद तक बदलाव आता है, अगर बदलाव नहीं आता तो साहित्य कब्बा समाप्त हो चुका होता है। लेकिन साहित्य से बदलाव तो आता है। लेकिन फिर भी क्या है कि आजकल देख रहे हैं हम कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मतलब सोशल मीडिया पे ज़्यादा ये है, और साहित्य जो पढ़ना और लिखना इसमें काफ़ी सारे क्या कह सकते कि वो नहीं कर पा रहे हैं। साहित्य किताबों से दूरी बढ़ रही है काफ़ी हद तक, पुस्तकों से दूरी ये बना रही है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि सोशल प्रिंटिंग मीडिया जो साहित्य है वो एक की। तरह की वो लत हो जाती है लोगों को, कई लोगों को। मैं भी आपने आसपास देखती हूँ तो उनको लत है फोन देखने की, फोन के बिना लोग रह नहीं सकते। तो अगर मुझे लगता है कि अगर कई बार लोगों को ये समझ भी आ जाता है कि उनको लत लग गई है, तो फिर वो कोशिश करते हैं इससे बाहर आने की। और अगर इन चीजों से बाहर आना है तो मुझे लगता है कि कला, साहित्य, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको इन चीजों से दूर कर सकती है और अपनी जो संस्कृति है उसकी ओर लेके जा सकती है, और आप अपने अंदर के जो मानवता है उसको भी और अच्छा बनाए और अच्छी तरह से बनाए रख सकते हैं। एक और आपकी कविता है सहयोग और विश्वास, सुना उसकी एक पंक्ति है जो पहला पैराग्राफ है। एक स्त्री का सभी पारिवारिक सामाजिक जटिलताओं से लड़कर आगे बढ़ना कदाचित सरल नहीं। एक स्त्री का सभी पारिवारिक सामाजिक जटिलताओं से लड़कर आगे बढ़ना कदाचित सरल नहीं, किंतु और भी हो जाता है दुष्कर जब एक नारी ही नारी के पथ में चाहे बाधा बने। ये काफी हद तक स्त्रियों के विषय में है, कहा जाता है कि एक स्त्री जो है वो स्त्री के लिए कई बार बाधा बन जाती, रुकावट बन जाती है। वो कहीं ना कहीं चाहे वो रिश्तेदार के रूप में हो, कई बार माँ ही होती है, अपनी बेटी को घर के अंदर बांध कर रखना चाहती है, वो ही आगे बढ़ने में मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं होता है कि किसी दुश्मनी बस होता है, ये एक सहज सतत रूप से होता है। हाँ, ये मतलब क्यों होता है, इसके बारे में अगर आपका कुछ आपके अपने कुछ विचार हो तो बताएं। एक्चुअली मतलब कई बार क्या होता है, जो लोग जटिलताएं पैदा करते हैं उनको भी नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम क्या होता है, जिस तरह का किसी का बचपन गुजरा है, जिस स्थिति से वो निकल के आया है, अगर वो किसी दूसरे को देखता है उस स्थिति से निकलते हुए, तो कई बार मनोवैज्ञानिक रूप से वो उस पर हावी होने की कोशिश करता है। ये चीज है जब, और ये ऐसा मनोविज्ञान है जो लोगों को भी नहीं पता होता कि उनसे ये सहज ही हो जाता है कि अगर कोई प्रगति कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो दूसरे दूसरे में, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो और कहीं सास ही क्यों ना हो या बहन ही क्यों ना हो, ये होता है कि आपको ईर्ष्या एक उत्पन्न होती है, वो आपको भी नहीं पता, उस ईर्ष्यावश ये करता है। अब जैसे इसी कविता का जब आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें मैंने ये बोला है कि जब कोई स्त्री जो है वो अपने अधिकारों के प्रति मुखर है और अपने अधिकारों के लिए वो अपने मुखरता से आवाज भी उठाती है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो कई बार क्या होता है कि लोगों को वो चीज, और समाज में ये चीज बुरी लगती है कई लोगों को, और जब आसपास की स्त्रियां ही उसको पॉइंट आउट करने लगती हैं कि ये सही नहीं है, तो वो जो है ना, वो उसकी जो मुखरता है वही उसका दोष बनने लगती है, और फिर उसकी प्रगति में वो बाधा उत्पन्न करती है। तो हाँ, बेसिकली इसी एक, हाँ जी, नहीं ये इसी बोलिए। रचना में आपकी लास्ट जो लाइन है, मतलब ये अंतिम पंक्तियाँ हैं कुछ, हमारा उपहास करने को, हमारा विकास रथ रोकने को, हमारी सफलता से ईर्ष्या करने को प्रतिसत्तात्मक समाज कम है क्या?
हाँ जी मैम, जो हमारा समाज जो है उसको तो हम पितृ सत्तात्मक ही समाज मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुरुष जो है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा। तो उसमें मैंने यही कहा, क्योंकि कविता का नाम ही सहयोग और विश्वास है, इसका मतलब ये है कि जब एक स्त्री को आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ एक स्त्री का आगे बढ़ना नहीं होता, वो हर एक, वो पूरे स्त्री वर्ग का आगे बढ़ना है। तो जब एक स्त्री प्रगति कर रही है तो बाकी स्त्रियों का काम ये नहीं है कि उनको मतलब उनको कुछ अपशब्द कहें, उनका काम ये होना चाहिए कि उस स्त्री को आगे बढ़ाने में उनका भी सहयोग और विश्वास उनके साथ होना चाहिए। तो हमारा उपहास करने के लिए, हमारे विकास को रोकने के लिए पुरुष प्रधान समाज बहुत है, तो उसमें, उस पुरुष प्रधान समाज में अगर हम भी एक दूसरे के प्रति अपना सहयोग और विश्वास प्रकट नहीं करेंगे तो फिर नारी जाति का जो उद्धार है वो नहीं हो सकता। तो ये एक अपील है सभी स्त्रियों से कि जब समाज में एक नारी आगे बढ़ रही है तो हमें उसका सहयोग भी करना है और उस पर विश्वास भी दिखाना पड़ेगा अपना, ताकि हमारे समाज का उत्थान हो सके। समाज समाज की स्त्रियों से या कुछ भी समाज से तो हम एक बार फिर भी लड़ लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने ही परिवार के प्रति कमजोर हो जाते हैं। हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, स्त्रियों का मायका हो, ससुराल हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमें आगे बढ़ने, तुम्हें तो घर गृहस्थी संभालनी है और ये बाहर का नहीं करना, जबकि हमारा, अगर हमारा मन है कि हम बाहर की दुनिया में ही अपने आप को, सही बात भी है कि बाहर की दुनिया में प्रूव करने के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। कभी आज स्त्रियां देखिए चांद तक पहुंच रही हैं, तो ये तभी हुआ है जब उनके परिवार ने उनको सपोर्ट किया, और परिवार में पुरुष भी है स्त्री भी है, तो अगर स्त्रियां स्त्रियों के साथ हैं, सपोर्ट करेंगे तो काफी हद तक हमारे लिए आसान हो जाता है। आधी आधा जैसे घर परिवार का जो भी है वो आधा, अगर भी आधा भी इंसान अगर सपोर्ट में है, जो हमारी स्त्रियां कहने को ठीक है बाहर इस, हमारा जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन फिर भी घर में स्त्रियों का जो हमारी सास है, नंद है या जेठानी है, देवरानी है, ये सब भी रहते हैं, तो सबका अगर सपोर्ट मिलता है तो वो हमारे लिए एक मानसिक रूप से किसी भी स्त्री के लिए वो काफी अच्छा हो जाता है और एक उसकी क्षमता हौसला को मिलता है बढ़ावा देते आगे, हैं। हौसला मिलता है आगे बढ़ने में हम, तो ये काफी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए आप सही कह रही हैं कि ये कविता के माध्यम से जिस तरह से आपने बताया कि स्त्रियों को, ये हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज तो वैसे ही है, लेकिन इसमें अगर स्त्रियां, स्त्रियों की सहयोगी हो जाए तो हम काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं, और भी जैसे आज है उससे भी आगे मतलब कार्य किए जा सकते हैं। स्त्रियां वैसे भी आज पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं, किसी चीज में कम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे स्त्रियों का भी काफी सारा जो एक एरिया है अभी भी वहां पर इस तरह का नहीं है, इतनी इतना खुलापन नहीं है या इतने सोच अभी भी ये है कि नहीं हो पाता है, आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, उन्हें घर परिवार की तरफ से रोका जाता है। तो ये सब चीज अगर ना हो तो काफी हद तक वो भी आगे बढ़ सकती हैं, कर सकती हैं। और आपका जो, आपकी इस मेरी भाव गंगा संग्रह है, इसमें कोई ऐसी कविता जो आपको बहुत पसंद हो, जो आप हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगी, ऐसी कोई कविता? हाँ जी मैम, ऐसी एक कविता है जिसका शीर्षक है माँ की जगह मैं। ये तो इसका आप, कविता, इस कविता का पूरा पाठ करके आप हमारे दर्शकों को आप जरूर हाँ सुनाएंगे। जी मैम, हाँ जी, ये कविता मैंने लिखी थी, मतलब जब मेरी शादी हुई तो, या फिर ऐसा है कि ये सिर्फ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस नहीं है, मेरे अपने अनुभव नहीं है, जैसे मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं, कई जब हम बात करते हैं आपस में तो कई चीजें निकल के सामने आती हैं। तो ओवरऑल एक मिला जुला उसका एक स्वरूप है कि जब हम ससुराल में आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, हम सब कर रहे हैं घर का और बिना रुके बिना थके सब करते जा रहे हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ जब मैं अपने घर पहुंची, अपने मायके, तो अपनी माँ को देख के मुझे ये विचार मेरे मन में आया कि माँ की जगह मैं, कि ससुराल में मेरी माँ, जो मेरा घर है, जो मेरा मायका है, वो मेरी माँ का ससुराल है, तो जहाँ उसकी, जो उसकी स्थिति है वो मेरी स्थिति मेरे ससुराल में है। तब मैंने ये कविता लिखी थी। घड़ी की सुई करती है टिक टिक, उसके संग संग मैं भी निरंतर चलती रहती हूँ। क्या काम होता है घर पर, क्या
फिर भी ये ताना सुनती रहती हूँ। सभी को कपड़े सुथरे चाहिए, भोजन एकदम समय पर चाहिए। लगता है सुबह मुर्गे की तरह मुझे भी बांग देनी चाहिए। सबसे पहले छोड़ती बिस्तर, सबके सोने के बाद थोड़ी कमर थोड़ी सीधी करती। मैं नहीं तो कौन करेगा, इसी फटकार पर कुड़ती रहती हूँ। मुझे तो नींद में भी किवाड़ की दस्तक सुन जाती है। दूध कहीं बाहर ना रह गया हो, गैस कहीं खुला ना छूट गया हो, आंख मूंद कर भी यही आशंकाएं बानस पटल पर उभरती रहती हैं। आराम भी अधूरा और नींद भी अधूरी, फिर मेरा परिवार है, इसी ऊर्जा से खुद को भरती हूँ। मैं बैठ नहीं सकती, मैं रुक नहीं सकती, मैं अस्वस्थ होने पर खटिया पकड़ नहीं सकती। पानी गुनगुना पीकर, माथे पर कपड़ा कसकर, दूसरों की सेवा में लगी रहती हूँ। रोटी सेकते हुए कितनी बार बाह जली, सब्जी काटते हुए कितनी बार अंगुलियां कटी, ये अनगिनत बार हुआ, कई दफा महसूस भी नहीं हुआ। फिर भी किसी के जन्मदिन पर, किसी की सालगिरह पर, किसी की प्रोन्नति पर, किसी के परीक्षा परिणाम पर, सबकी पसंदीदा रसोई पकाती रहती हूँ। बच्चों को लगता है उनके विद्यालय जाने के बाद क्या काम मुझे धरा है। पूरी दोपहर सोई हूँ चैन से, जीवन साथी इसी सोच से भरा है। मैं फिर भी अपना हर कर्तव्य निष्ठा से निभाती रहती हूँ। अपने पूरे घर की जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ। बड़ा आराम मिलता है मुझे अब विवाह के बाद, जब मैं अपने मायके जाती हूँ। एक दिन अकस्मात ही यह विचार आया, हमेशा माँ को भी घर की जिम्मेदारियों से बेजार देखा, उसकी परेशानियां बांटने की नहीं की कोशिश, अपनी समस्याओं पर उलझे सभी को उसी पर झुंझलाते देखा। कैसे सब शालीनता से वो सहन कर जाती है, आ समझ में आया जब मैंने माँ की जगह मैं को देखा। ये सही बात है, जब माँ, जब कोई भी स्त्री जब माँ बनती है तभी उसे समझ में आता है कि माँ का महत्व क्या है। हाँ, तो ये एक बहुत ही मार्मिक कविता है। माँ तो सभी के लिए मतलब पूजनीय है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन स्त्री जो होती है वो पुनः माँ बनती है। एक बार बेटी बनती है, पुनः माँ बनती है, तो उस समय उसको माँ का दर्द जो होता है, अपनी माँ ही याद आती है, और वो लगता है कि हाँ, जो मैं सह रही हूँ वो कभी मेरी माँ ने मेरे लिए भी किया था, मेरे लिए भी सहा होगा, माँ को भी ऐसी ही परेशानी हुई होगी, ऐसे ही तकलीफ हुए होंगे, और इसी तरह से प्यार से माँ ने मुझे भी पाला होगा। तो ये सारी भावनाएं मतलब ये काफी मार्मिक हो जाता है, और किसी भी स्त्री के लिए ये अच्छा लगता है। और इस जो आपकी भाव गंगा कविता है, इसमें मतलब ये तो नारी के विषय में, इसके अलावा भी आपने और भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं? नहीं मैम, ये नहीं भाव तो मेरी प्रथम पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है। हाँ जी, और नारी पे मैंने इसलिए लिखा है, मुझे लगता है कि नारी पे आप कितना भी लिखते जाएं वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर हर रोज हर आगे कुछ लिखने का कोई प्लान है, आगे कुछ नया लिखने का कुछ तैयारी? हाँ जी मैम, मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी मैं कुछ कविताएं और अपनी संग्रह कर रही हूँ। हालांकि मैं बचपन से लिख रही हूँ तो काफी सारी कविताएं मेरे पास इकट्ठी भी हो गई, और कुछ नई रचनाएं भी मैं कर रही हूँ। और इस बार शायद मैं जीवन और जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हम लोग देखते हैं उसके ऊपर कुछ लिखने की सोच रही हूँ, और साथ में चाह रही हूँ कि एक अपना कहानी संग्रह भी मैं प्रकाशित करवाऊँ, तो कुछ कहानियों पे भी काम चल रहा है। जी बिल्कुल, तो आपको अपनी सभी आगे आने वाली आपकी सभी पुस्तकों के लिए प्रखर गुंज प्रकाशन की तरफ से आपको अग्रिम बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो एक कुछ संदेश जो आप हमारे प्रखर गुंज प्रकाशक के दर्शकों को आप देना चाहेंगे यहाँ हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से, तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगी तो स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, मैं आज के युवा वर्ग के लिए तो कहना चाहूंगी, देखिए जो दर्शक हैं, जो भी प्रखर गुंज से जुड़े हुए हैं, वो हिंदी साहित्य के पठन और पाठन से भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जो हम पढ़ते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे मानस पे पड़ता है, तो हमें अच्छी रचनाएं पढ़नी चाहिए ताकि हम अपने समाज को उन्नति के पथ पे ले जा सके, और जो एक मानवता जो कहीं खत्म होती जा रही है आजकल,
उसको बनाए रखने में, हमारे हृदय को, वो मानवता को हमारे हृदय में बनाए रखने में जो हमारी सहायता करे। और जो हमारा युवा वर्ग है उनके लिए मैं चाहूंगी कि एक युवा वर्ग जो है उनके लिए भटकाव बहुत आसान होता है, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि वो किसी भेड़चाल का हिस्सा ना बने, जो वो शिक्षा ले रहे हैं उससे वो ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान से अपनी तार्किक क्षमता को इस तरह से बढ़ाएं कि कुछ भी करने से पहले वो तर्क के स्तर पर उसको जांचे परखे कि क्या वो सही है या क्या वो गलत है, और हमेशा वही कदम उठाएं जो हमारे परिवार और हमारे समाज के हित में हो, ताकि हमारा देश भी प्रगति के पथ पर जा सके। जी बिल्कुल, ये अच्छा साहित्य जो होता है आजकल के युवा वर्ग को, हमारे अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए ताकि काफ़ी हद तक इसमें उनको अपना व्यक्तित्व निर्माण का भी इसमें सहायता मिलती है। अच्छा साहित्य जो होता है वो एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर सकता है किसी का भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो इसकी आदत डालनी होगी, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इसकी आदत डालनी होगी। मैम तो ये एक्चुअली में तो क्या होता आपने है, सही क्योंकि कहा मैं अध्यापन क्षेत्र में भी रही हूँ, तो जी, मैंने ये बिल्कुल देखा है कि जब बच्चे घर में पैदा होते हैं ना, तब से ही जो माता पिता है उनको लगता है कि ये इसको इंजीनियर बनना है, इसको डॉक्टर बनना है, तो वो बच्चे भी ना बस थोड़ा सा जब समझ जाती है ना, तो वो इसी भेड़चाल का हिस्सा बन जाते हैं, वो उसी चीज में लगे रहते हैं। अगर बच्चों को हम ये सिखाएं कि आपको जो पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, आप क्योंकि आजकल तो हर क्षेत्र में आप प्रगति कर सकते हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उसमें आगे जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को ही स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं वो करें। जब ये स्वतंत्रता उनको मिलेगी तो मेरे को लगता है कि फिर कैरियर वो खत्म हो पढ़ने जाता में भी है, ध्यान उनका देंगे। व्यक्तित्व जो है वो पीछे छूट जाता है आजकल बच्चों के लिए। कैरियर खत्म हो जाता है और जो व्यक्तित्व है वो पीछे छूट जाता वो है। पीछे छूट तो जाता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आगे चल के ये परेशानी पैदा करती है। ये इसका एहसास उस समय नहीं होता है, कैरियर बनाने के समय नहीं होता, लेकिन ये बाद में उसका एहसास होता है, परिवार को भी होता है और बच्चों को खुद भी एक उम्र के एक पड़ाव पर उन्हें इस बात का एहसास होता है। तो इसलिए ये कि दोनों का एक संतुलन बना के चलना चाहिए, चाहे वो कैरियर हो या फिर जो हमारा व्यक्तित्व है उसका भी। तो साहित्य जो है वो, चाहे हम ये कहें कि साहित्य से बदलाव हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ है कि साहित्य हमारे व्यक्तित्व का निर्माण बहुत अच्छे से कर सकती है। अगर हम अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो उसका असर जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है, हमारे ऊपर, हमारी मानसिक, मतलब हमारे दिमाग पे जो है वो हमेशा रहता है अच्छे साहित्य का। तो आज का जो ये साक्षात्कार का सेशन है उसको मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। और सुखविंदर जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे प्रखर गुंज प्रकाशन के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी पुस्तक भाव गंगा के लिए, और साथ ही आपकी जो भी आने वाली पुस्तकें हैं उसके लिए भी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आप मैम, काफ़ी अच्छा लिखती हैं, मैं कहना धन्यवाद चाहूँगी। मैम। जी, किसी तो हम लेखक अपना से अगर ये सेशन यहीं प्रशंसा मिले तो उससे बड़ा कुछ आपके काफ़ी लिए सारे सम्मान हो दर्शक नहीं सकता। जी काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं और वो लोग भी आपके लिए ये कर रहे हैं, आपकी कविताएं पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं। हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम नया सेशन लेकर के आएंगे कुछ।